हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन किया था और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन करेंगे वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर करेंगे। अब एनिमल्स का हमें पता है दैट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे नीड रेडीमेड फूड। अब वो जो रेडीमेड फूड है वो कहाँ से आएगा, या तो प्लांट से आएगा या अदर एनिमल से आएगा। अब हम इसका क्लासिफिकेशन भी पहले पढ़ चुके हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं और ओमनीवोर्स भी होते हैं। हर्बीवोर्स के अंदर क्या आ जाता है, वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं, और जो एनिमल दोनों ही चीज़ें खाते हैं एज प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज फ्लैश ऑफ एनिमल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स। सभी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो हम भी हैं, वी रिक्वायर फूड, हमें खाने की ज़रूरत है। क्यों? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके और हमारे बॉडी के जो डैमेज्ड पार्ट्स हैं वो क्या हो सके, रिपेयर हो सके। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, व्हाट इज़ एनिमल न्यूट्रिशन, मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन इन एनिमल। बेसिकली एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप्स के अंदर इंक्लूड होता है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। सेकेंड जो स्टेप होता है दैट इज़ डाइजेशन, मतलब जो खाना हमने खाया है जिसमें लार्ज इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस थे वो हमारे बॉडी में जाकर क्या होते हैं, स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, सेकेंड स्टेप में जो खाना हमने खाया वो क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ। थर्ड स्टेप के अंदर क्या हुआ कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल से होता हुआ क्या हुआ, ब्लड के साथ मिक्स हो गया, मतलब अब्सॉर्ब हो गया। तो इस थर्ड स्टेप को हम क्या बोलते हैं, अब्सॉर्प्शन बोलते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि यही अब्सॉर्ब्ड फूड हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचता है, हमारी बॉडी सेल उसको यूज़ करती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ग्रोथ प्रोवाइड करती है एंड हमारी बॉडी को रिपेयर करती है। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है, एसिमिलेशन। अब इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप रहता है वो क्या होता है, इजेशन, मतलब जो खाना हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, इजेशन। इस तरीके से न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली 5 स्टेप इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट स्टेप इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड अब्सॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। अब हम बात करते हैं कि हर एनिमल का फूड लेने का अपना एक अलग तरीका होता है, मतलब जो इंजेशन का प्रोसेस है वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब जो सभी एनिमल्स हैं दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर और स्पेशल ऑर्गन फॉर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। अब इसका हम कुछ एक बड़े सिंपल से एग्जांपल देखते हैं कि जो फ्रॉग एनिमल है हमारा वो क्या करता है, दैट ईट्स फ्लाइंग इंसेक्ट एज अ फूड, और उसके लिए वो क्या करता है, अपनी जो लंबी तीखी जुबान है, टंग है, उसका यूज़ करता है ताकि वो अपने प्रे मतलब इंसेक्ट को पकड़ सके। अब जो अब हमारी दीवार पे हमारी छिपकली घूम रही होती है या गिरगिट होता है वो भी अपने जो जो खाते हैं इंसेक्ट्स उनको भी अपनी फेरी लॉन्ग टंग से मतलब अपनी जीभ से क्या करते हैं, खींचते हैं। देन जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है, वो अपनी लॉन्ग फीडिंग ट्यूब का यूज़ करती है टू सक नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से जूस को सक करने के लिए वो अपनी लॉन्ग फीडिंग ट्यूब का यूज़ कर रही है। बीज होती है, जो ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं वो भी फ्लावर से नेक्टर को इसी तरीके से क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। इसके अलावा जो फीमेल मॉस्किटो है जो हमारा ब्लड चूसती है, मतलब जो मच्छर हमें काटते हैं वो भी किस तरीके से काटते हैं, इसी तरीके से काटते हैं, मतलब दे यूजेज इट्स लॉन्ग फीडिंग ट्यूब। उसके अलावा
जो लाइस होती है, मतलब जो जुएं होती हैं, वो भी क्या होता है, विंगलेस इंसेक्ट्स होता है, जो कहाँ रहता है, बालों में रहता है। अब जो लाइस है वो भी क्या करती है, हमारी जो स्कैल्प की स्किन है वहाँ से ब्लड को सक करती है। हाउस फ्लाई जो होती हैं, मक्खियाँ जो होती हैं, दे स्पिट आउट सलाइवा ऑन द सॉलिड फूड टू कन्वर्ट इट इंटू अ लिक्विड एंड देन सक इट्स लिक्विड। मतलब हाउस फ्लाई ने क्या किया, अपनी जो लार है मुंह की उसको खाने के ऊपर छोड़ दिया, और जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया देन उसने उस लिक्विड को अपने अंदर फिर से सक कर लिया। आंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे फीड ऑन प्लांट मटेरियल एंड अदर एनिमल बाय बाइटिंग एंड चूइंग, वो क्या करती हैं, काटती हैं। स्नेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे फीड ऑन एल्गी बाय स्क्रैपिंग इट फ्रॉम रॉक्स, मतलब चट्टानों को स्क्रैप करके उसमें से क्या लेते हैं, एल्गी लेते हैं। स्नेक्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाते हैं। ईगल जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लैश ऑफ इट्स, मतलब वो क्या करती है, मांस खाती है, और वो क्या करती है, मांस को तोड़ती है विद इट्स पावरफुल बीक और अपने मुंह से खाती है। अमीबा जो होता है टिनी एक्वेटिक एनिमल, वो क्या करता है, अपने फॉल्स फीट की शुडोपोडिया की हेल्प से फूड को अपने अंदर इंजेस्ट करता है। हाइड्रा जो एनिमल है वो क्या करता है, वो अपने टेंटिकल्स का यूज़ करता है ताकि वो प्रे को मार सके एंड पुट इनटू इट माउथ और बॉडी कैविटी, मतलब जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है लंबा सा, वो ऊपर से उसे क्या कर देता है, फूड को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। स्पाइडर जो होता है वो क्या करता है, जाल बनाता है ताकि अपने प्रे को पकड़ सके। जो क्रो होता है वो क्या करता है, अपनी लॉन्ग बीक का यूज़ करता है टू पुट द फूड इनटू इट्स माउथ। और हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ का यूज़ करते हैं अपने खाने को अपने मुंह तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से फूड को अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं। अब जो सेकंड स्टेप होता है हमारा, दैट इज़ डाइजेशन। अब जो खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर मेनली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें पता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स एंड प्रोटीन एंड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल एंड विटामिन्स। अब ये जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये तो लार्ज इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं विच के नॉट पास थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड गेट अब्सॉर्ब्ड एज सच, मतलब जैसे हैं वैसे ही हमारी बॉडी उसको अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। सो बिफोर द फूड कैन बी यूज फॉर वेरियस फंक्शन, मतलब कि खाना खाते ही हमें एनर्जी मिले, उससे पहले ये ज़रूरी होता है कि हमारा जो खाना हम खा रहे हैं वो अच्छे से क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, और डाइजेस्ट होने के बाद वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करे, और अब्जॉर्ब करने के बाद हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो डाइजेशन क्या हुआ, डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें जो फूड कंटेनिंग लार्ज इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं दैट इज़ ब्रोकन डाउन, मतलब टूटते हैं इनटू स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जिसको हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। सिंपल वर्ड में बात की जाए तो डाइजेशन मीन डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड इनटू आवर बॉडी विच। सो डाइजेशन क्या करता है, हमारे फूड को सोल्यूबल बनाता है ताकि हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर सके और यूटिलाइज कर सके। और डाइजेशन के लिए वी यूज़ बोथ केमिकल एंड फिजिकल मेथड। लाइक फिजिकल मेथड्स में क्या हो रहा है कि फूड हम जो इंजेस्ट कर रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, उसको हम चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं इन द माउथ, मतलब उस टाइम पे फिजिकल मेथड यूज़ होता है। एंड केमिकल मेथड इंक्लूड द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या करते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं और उसे सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कि जो फैट्स हम खा रहे हैं वो फैट्स कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सेकेंड वन, जो प्रोटीन्स होता है वो भी जिस सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं। जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होता है दैट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, मतलब ये जो कन्वर्जन है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, अमीनो एसिड्स हैं, ये सब क्या हैं, दे ऑल आर वाटर सोल्यूबल सिंपल सब्सटेंसेस जो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल से पास हो जाते हैं और हमारी ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारी बॉडी उसको क्या कर देती है, ब्लड के साथ अब्सॉर्ब कर लेती है। एंड जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ होता है, हमारी बॉडी के अंदर
कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिए बेटा।